अब देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में। तो हम समझते हैं इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। हम तब की बात करते हैं जब वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, तो की बात कर रहे हैं जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो। जैसे जैसे क्या राम किताब पढ़ रहा है, क्या सोनम स्कूल जा रही है, क्या मधु पानी भर रही है, ये एग्जाम्पल है। इसका रूल होता है वाक्य बनाने का, रूल देखते हैं क्या होता है कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो तो सबसे पहले इज आर, इज एम या आर लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी लिखते हैं। इसको बनाते हैं, हम देखते हैं। यह है पहला एग्जाम्पल था क्या राम किताब पढ़ रहा है, तो चूंकि राम सिंगुलर नंबर है तो सबसे पहले हम एज लिखेंगे रूल के अनुसार, एज राम वर्ब रीड, इसके साथ आई एन जी जोड़ेंगे रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या सोहन स्कूल जा रहा है, सोनम स्कूल जा रही है, क्या सोनम स्कूल जा रही है, क्योंकि सोनम सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, इज सोनम जाना गो, इसके साथ आई एन जोड़ेंगे गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या मधु पानी भर रही है, तो चूंकि मधु भी सिंगुलर नंबर है तो यहां लगाएंगे एज मधु वर्ब फिल, इसके साथ आई जोड़ेंगे तो फिलिंग द वाटर। इस तरीके से बनाएंगे। आगे देखते हैं यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसके लिए रूल होता है सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, इसके बाद लगाते हैं एज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, इस तरीके से बनाते हैं। जैसे जैसे मधु बाजार क्यों जा रही है, यह सबसे पहले
प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश बनाएंगे, वाई मधु चूंकि सिंगुलर नंबर है तो यहाँ लगाएंगे एज, इसके बाद सब्जेक्ट मधु जाना गो, इसके बाद आई एन जी गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से बनाएंगे। आगे देखते हैं, इसको अरेंज कर लें। अभी देखते हैं इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक भाग, इसका रूल होता है एच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, जैसे क्या वे किताबें खरीद रहे हैं, किताबें नहीं खरीद रहे हैं, क्या वे किताबें नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि वे प्लूरल नंबर है तो यहां लगाएंगे आर, सब्जेक्ट दे नॉट खरीदना वाई बी यू आई आई एन जुड़ेंगे बाइंग द बुक्स, ओके इस तरीके से बनाएंगे। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी सबसे पहले इंग्लिश बना देते हैं, उसकी यह उसके लिए रूल। एज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, जैसे हम चाय क्यों नहीं पी रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी वाई वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर वी नॉट टेकिंग द टी, इस तरीके से बनाएंगे। थैंक यू।